अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राम जी, अगर हमारा बेटा भेजना ही नहीं था तो हमारे दिल में इतनी उम्मीदें क्यों जगाई? उस संत बाबा ने बोला है ना कि हमारा पर पोता ही हमारे बेटे को वापस लेकर आएगा, लेकिन भौरिया तो अभी कभी माँ नहीं बन सकती है, तो हमारा बेटा भी वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। बताइए राम जी, आओ, हम अपने बेटे को देखने के लिए तरस गए हैं राम जी। दादी प्लीज खुद को संभालिए। ये बादाम और केसर वाला दूध हमने तुम्हारे लिए बनाया था। इसी तरह तुमने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये जो कुछ हुआ उसमें खेत की क्या गलती है? सारी गलती हमारी है लल्ला। दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं ना, वो सब हमारी वजह से हुआ है। इसलिए हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। बहुओं का तो सुख हमारे नसीब में नहीं है। तुम्हें पता है उस संत बाबा ने क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा बेटा यानी हमारा होने वाला पर पोता ही हमारे एकनाथ को वापस लाएगा। परिवार का वारिस, लेकिन अब ना इस परिवार का कोई वारिस होगा और ना ही हमारा बेटा वापस आएगा। पर दादी, वारिस आपको वरुण से भी मिल सकता है ना? वरुण शादी करेगा तब ना। वो तो कहता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब ना अम्मा के भाग में बेटे का सुख है, ना हमारे भाग्य में सुभाग का। कालिंदी ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन वरदान के साथ इसका रिश्ता था ना। अगर केतकी हमें पोता नहीं दे सकती तो केतकी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान, हम चाहते कि तुम केतकी को छोड़कर कालिंदी से शादी कर लो।
साइड में रखना। माँ ये आप बोल रही हैं? इस वक्त जब केतकी को हमारे प्यार, हमारे सहारे की जरूरत है, तो आप उसका घर उजाड़ने की बात कर रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये शब्द आपके मुंह से आ रहे हैं। तुम लोगों को अचंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ चुकी कि माँ समझौता कर लेगी। जब माँ के पति ने उन्हें छोड़ दिया तब भी माँ ने समझौता कर लिया। सारी जिंदगी अपने पति को भगाने के ताने सुनते रही तब भी माँ ने समझौता कर लिया। बच्चे अपनी मर्जी के चलाते रहे तब भी माँ ने समझौता कर लिया। लेकिन बस अब हमने समझौता करना बंद कर दिया है। अगर एकता जी की आने की हल्की से भी उम्मीद है तो हम भी अपनी बाकी की जिंदगी उसी इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं जो सिर्फ एक सुहागन को तब मिलती है जब उसका पति उसके साथ होता है। अगर बाबा ने कहा है कि उनके वापस आने का एकमात्र रास्ता वरदान तिवारी का बेटा है तो यही सही। पहली बार हम बहू के तरफ हैं। बहू बिल्कुल सच कह रही है। लल्ला 12 सालों तक हम अपने बेटे के लिए तरसे और उसे वापस लाने के लिए हमें ये बात स्वीकार है। तुम्हें उसी औरत से शादी करनी होगी जो तुम्हें संतान दे। क्या बात है भगवान, आज तो बिना मांगे लॉटरी लगा दिया आपने। आपको पता है दादी, अगर कोई हमसे कहे कि रानी इस समय दूध नहीं दे रही है और उसे भेजकर कोई दूसरी गाय ले आते, हम उस बात के लिए भी कभी राजी नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रानी जानवर ही सही, लेकिन उससे हमारे दिल के तार जुड़ चुके हैं। और एक बार किसी से प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके बुरे समय पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि आपसे कभी हमारे दिल का तार जुड़ा ही नहीं। इसलिए हमें घर से दूर करने वाली बात आप इतनी आसानी से कह पा रही हैं। बस तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती। अरे सच बात तो ये है कि तुम हमें वारिस दे ही नहीं सकती। वारिस? आपसे किसने कह दिया कि घर का वारिस सिर्फ लड़का हो सकता है? मीठे इस घर की वारिस क्यों नहीं हो सकती दादी? समय बदल रहा है दादी, और आज के समय में लड़का और लड़की को बराबर समझा जाता है। लल्ला समझा दो इसे, इसकी भाषण से समाज के नियम नहीं बदलने वाले। केतकी कुछ गलत नहीं बोल रही है। और मेरी एक बात कान खोलकर सब सुन लो, ना मैं कभी केतकी के साथ रिश्ता तोड़ूंगा और ना ही कभी कालिंदी को स्वीकार करूंगा। कालिंदी कभी भी इस घर में नहीं रह सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, हट जाओ।
जब इस घर में हमारी बात की कोई मान ही नहीं है तो फिर इस घर का नाम साधना कुंज क्यों है? तुम लोगों ने अपने मन की करने की ठान ही ली है, इस घर का नाम भी बदल दो। आज से ये घर का नाम केतकी कुंज होगा। मां, अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।